गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास एट्थ की इंग्लिश की बुक। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर फर्स्ट, मैरीज लैम्प। तो आज हम आपको मैरी के लैम्प के बारे में बताएंगे। लैम्प मीन्स आपका होता है मेमना, मैरी के मेमने के बारे में, ठीक है। मैरी हैड ए लिटिल लैम्प, इट्स फ्लीज वाज वाइट एज स्नो, एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट दैट लैम्प वॉज श्योर टू गो। ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे, दैट वॉज अगेंस्ट द रूल। इट मेड द चिल्ड्रेन लाफ एंड प्ले टू सी ए लैम्प एट स्कूल, एंड सो द टीचर टर्न हिम आउट, बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट टिल मैरी डिड अपियर। देन ही रन टू हर and laid his head upon her arm, as if he said, I am not afraid, you will keep me from all harm. तो पहले तो हमने रीडिंग की, तो पहले आप इसे रीड करिएगा अच्छे से, उसके बाद आप इसे हिंदी के साथ रीड करिएगा। चलिए अब हिंदी के साथ हम इसे रीड करते हैं। मैरी हैड ए लिटिल लैम्प, मैरी मतलब मैरी हैड मैरी के पास, ए मिस एक, लिटिल लैम्प मिस छोटा मेमना है, मैरी के पास एक छोटा मेमना है। इट फ्लीज, फ्लीज मिस आपका होता है बाल, वाज मिस थे, वाइट मतलब सफ़ेद, एज स्नो मतलब बर्फ के जैसे। इट फ्लीज वाज वाइट एज स्नो, इसके बाल बर्फ के जैसे सफ़ेद थे। एंड एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब आपका होता है प्रत्येक जगह, एंड एवरीवेयर प्रत्येक जगह, दैट मैरी वेंट जहाँ मैरी जाती, दैट लैम्प वे मेमना वाज श्योर टू गो। श्योर मतलब आपका होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से मेमना भी जाता। एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट दैट लैम्प वाज श्योर टू गो, और प्रत्येक जगह जहाँ मैरी जाती निश्चित रूप से मेमना भी जाता। ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे, ही फॉलोड मीन्स आपका होता है अनुसरण करना। ही फॉलोड, उसने अनुसरण किया हर उसका टू स्कूल वन डे, एक दिन स्कूल तक, एक दिन उसने एक दिन उसका स्कूल तक अनुसरण किया। दैट वॉज अगेंस्ट द रूल, दैट मीन्स वे, वॉज मीन्स था, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, रूल मीन्स नियम के, दैट वॉज अगेंस्ट द रूल, वह नियम के विरुद्ध था। इट मेड द चिल्ड्रेन लाफ एंड प्ले, इट मीन्स इट मेड, इसने बना दिया चिल्ड्रेन मतलब बच्चों को, लाफ एंड प्ले, वह हंसने लगे और खेलने लगे। टू सी देखकर, एक ए लैम एक मेमने को, एट स्कूल मतलब स्कूल पर। इट मेड द चिल्ड्रेन लाफ एंड प्ले टू सी ए लैम एट स्कूल, उस मेमने ने बच्चों को, बच्चे उसे देख स्कूल पर, मेमने एक मेमने को देखकर बच्चे हंसने और खेलने लगे। मतलब बाय चांस अगर आपके स्कूल पे कभी बंदर आ जाता है तो आप उसे देख के मतलब खुश हो जाते हैं कि हाँ स्कूल पे देखिए बंदर आया, या कोई बकरी आ जाती है मतलब गोट मंकी कोई भी एनिमल आपका आता तो आप देख के उसे खुश हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जब ये मेमना पहुँचा स्कूल पर मैरी के, तो सारे बच्चे कैसे हो गए, देख के उसे खुश हो गए और खेलने लगे। एंड सो द टीचर टर्न हिम आउट, एंड मीन्स और, सो इसलिए टीचर मतलब टीचर ने मतलब अध्यापक ने, टर्न हिम आउट मतलब बाहर निकाल दिया, इसलिए और इसलिए अध्यापक ने उसे बाहर निकाल दिया। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही लिंगर, लिंगर मतलब वहीं ठहरे रहना, नियर पास में ही। बट स्टिल ही लिंगर नियर, लेकिन वह फिर भी वहाँ देर तक ठहरा रहा। एंड वेटेड पेशेंटली, और एंड मिस और, वेटेड मतलब इंतज़ार करता रहा, पेशेंटली मतलब धैर्य पूर्वक, अबाउट टिल, तब तक, मैरी डिड अपेयर, जब तक मैरी उसे दिखी नहीं। एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट टिल मैरी डिड अपेयर, और धैर्य पूर्वक तब तक इंतज़ार करता रहा जब तक मैरी उसे दिखी नहीं। एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट, और वह धैर्यपूर्वक इंतज़ार करता रहा। टिल मैरी डिड अपेयर, जब मैरी उसे दिखी। देन ही रन टू हर, देन तब, ही रन टू हर मतलब वह दौड़ कर उसके पास गया। एंड लेड, और रख दिया हिज हेड, अपने सर को, अपान हर आर्म, उसकी बाहों में। देन ही रन टू हर, तब वह उसके दौड़ता हुआ उसके पास गया। एंड लेड हिज हेड अपॉन हर आर्म, और उसने अपने सर को उसकी बाहों में रख दिया। एज ही, एज इफ ही सेड, ऐसा लगा वह कह रहा है,
आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डरा. अफ्रेड मीन्स आपका होता है डरना. आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डरा. यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म. यू विल कीप मी, तुम मुझे रखोगी. फ्रॉम ऑल हार्म मतलब सभी परेशानियों से दूर. यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म, तुम सभी दिक्कतों या परेशानियों से मुझे दूर रखोगी. तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए और इसकी मीनिंग आपको पता चल गई होगी सारी. और जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं क्या मीनिंग है, कौन सी लाइन ऐसी थी जो आपको समझ में नहीं आई है. फ़िलहाल के लिए इसे आप अच्छे से लर्न करें, रीड करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा.